प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। फ्रेंड्स, तो आज फिटनेस फ्राइडे के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ और ही अलग बताने वाले। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि अगर आपके पास डंबल्स हो, क्या क्या वर्कआउट आपको करने चाहिए, तो ये दो डंबल्स, ये एक डंबल्स और ये एक डंबल्स, ये तो छोटे हैं लेकिन आप इसमें बड़े भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास घर में डंबल्स है तो उसे कोने में जंग मत खाने दीजिए, आप उसे तुरंत उठाइए। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे भी आने वाले वीडियोस में आपको दो डंबल से या सिंगल डंबल से क्या क्या वर्कआउट आपको देने हैं या आपके किस किस मसल की ट्रेनिंग करेंगे तो भी आपको बताएंगे। बाकी का अपडेट भी हम जो है फेसबुक पेज पे भी आपको देते रहेंगे। तो अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया हो तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में आप उसे जाइए, उसे लाइक करिए, तो उसमें आपको प्रॉपर अपडेट आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वर्कआउट। यहाँ पर हमारे पास में है दो 15 पाउंड के डंबल जो है 6.8 केजी का डंबल जो है, इसे हम दोनों साथ में भी और सिंगल डंबल सोलो पूरा एक्सरसाइज आपको बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वर्कआउट रहेगा वो है डंबल स्क्वाट्स। आइए मोंटू, दोनों डंबल्स आपको पकड़ने हैं। स्क्वाट का तो आप सबको फॉर्म पता ही है कि पैर कैसे रखने हैं आपको शोल्डर से बाहर, आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा। डंबल्स बाजू में, हिप पीछे, नीज आगे नहीं आने चाहिए, फॉर्मेट एकदम सेम है। लेट्स स्टार्ट। 10 काउंट्स, 10, 9, 8, हिप बिलो, हिप पीछे पुश करना है और जो आपका नीज, जो अपना जो हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स जो है वो जाना चाहिए बिलो पैरेलल। ये हो गया इनका 7, 8, 9, 10, ओके डंबल रख दीजिए। तो हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, वो है गॉबलेट स्क्वाट्स जो है सिंगल डंबल स्क्वाट्स। लेग्स का अगर आपको और भी वेरिएशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, हमने लेग्स में काफी सारे वेरिएशन दिए हुए, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। और मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया में नहीं, काफी सारी जगह पे लेग्स वर्कआउट नहीं करते। रीजन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं करते, क्योंकि लेग्स वर्कआउट करने में इनको तकलीफ होती है कि क्या। आपको अगर अपर बॉडी भी डेवलप करनी है तो आपको लोअर बॉडी वर्कआउट करनी ही पड़ेगी। उसका साइंटिफिक रीजन ये है, अगर आप लेग्स वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। मैंने वो चीज पे ऑलरेडी वीडियो हमने डाली हुई है। बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो क्या होएगा, आपके मसल्स बिल्ड होंगे। तो आप लेग्स वर्कआउट ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि लेग्स वर्कआउट में मैक्सिमम मसल्स वर्क होते हैं, मैक्सिमम मसल्स वर्क होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है। तो ये चीज पे आप जरूर गौर करिए और आप जरूर इसे देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं, इसको जरूर फॉलो करिए। स्टार्ट सेकंड, ये है गॉबलेट स्क्वाट सिंगल डंबल। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग दो डंबल के साथ में भी करना है, सिंगल डंबल के साथ में भी करना है, फॉर्म एंड टेक्निक बिल्कुल सेम। स्टार्ट। 10 काउंट्स, 10, ओके रिलैक्स। आप इसे ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं, वो तो हमने आपको दिखाने के लिए 10 रिपीटेशन हम आपको बता रहे हैं। आपकी कैपेसिटी के ऊपर है आपको कैसा करना है। आपका हार्ट बीट जब तक बैक टू नॉर्मल ना हो जाए, मतलब अगर पंपिंग ज्यादा हो रही है, आपने 20-25 कर लिया, आप वेट करिए, उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद में आपकी जो ब्रीदिंग जो है थोड़ी नॉर्मल होने के बाद में आप अगला सेट लगा सकते हैं। कंटिन्यूस नहीं करना है, थोड़ा रुक रुक के करना है, क्योंकि बॉडी को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ये चीज पे भी आप गौर करिए। तो जो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट्स भी हमने आपको बताई है जो लेग एक्सरसाइज में, उसे हम वापस से करेंगे विद डंबल। लेट्स स्टार्ट। फॉर्म एंड टेक्निक बिल्कुल सेम, आपका जो टोज जो है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए, आपका नी जो है आपके टो को फॉलो करना चाहिए, हिप पीछे, नी बिल्कुल आगे नहीं आना चाहिए। स्टार्ट। 2, 3, 4, नीचे कॉन्ट्रैक्शन है तो आपको ब्रीद आउट करना है, ऊपर रिलैक्सेशन है आपको ब्रीद इन करना है। वेरी गुड। इसमें जो आपके मसल्स जो वर्क होते हैं वो है एडक्टर्स, जो आपके इनर थाई के जो है उसे हम कहते हैं एडक्टर्स। ये आपके लास्ट वन, 10, ओके रिलैक्स। जो हमारे जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है स्टैटिक लंजेस। आइए वो चेक करते हैं।
एक पैर आगे एक पैर पीछे, पहले आपको एक लेग का फिनिश करना है। ये एक्सरसाइज में काफी सारे आज भी गलत करते हैं, उनका जो दोनों नी का जो लेवल जो है ना, दोनों 90 डिग्री पर रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आज भी नहीं होता है, या 90 डिग्री हो भी जाता है तो उनकी बॉडी झुक जाती है। हिल्स जो है ना पीछे का उठा के रखिए, नी को देखिए प्रॉपर 90 डिग्री में बेंड किया हुआ है। ये पैर थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, थोड़ा सा पीछे ले लेंगे डाउन। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर 90 डिग्री बॉडी का अलाइन, जो बैक लेग का जो अलाइनमेंट है वो पूरा बॉडी के हिसाब से रहना चाहिए। आप ये जरूर याद रखिए ये चीज को, क्योंकि इसमें आपका जो मेजर मसल्स जो वर्क जो हो रहा है वो आपका हो रहा है बैक लेग का। इसमें आपके मीडियल ग्लूट्स वर्क हो रहे हैं, आपके जो हिप्स, हिप्स के लिए आपने काफी सारे सवाल पूछे थे। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द हिप्स। इसमें भी नी आगे नहीं जाना चाहिए, डाउन। दिस इज 8, 9, 10। अब इसे दूसरा चेंज करके करेंगे, सेम फॉर्म सेम टेक्निक। बैर ज्यादा पीछे चलेगा, थोड़ा सा आगे ले लीजिए। वन टू चेस्ट अप, नीचे ब्रीद इन ऊपर ब्रीद आउट। ये आपका बैक लेग और आपकी बॉडी एक अलाइनमेंट में। फोर फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड ओके रिलैक्स। तो ये जो था हमारा स्टैटिक लंजेस। अभी हम चलते हैं वॉकिंग लंजेस पे। मसल्स जो है सेम वर्क हो रहे हैं, क्वाड्स हैमस्ट्रिंग्स ग्लूटियस मैक्सिमस। आइए देखते हैं वॉकिंग लंजेस करते समय एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आपके बॉडी का अलाइनमेंट एकदम सही रहे। ज्यादा पैर आप आगे ना ले लीजिए, ज्यादा पैर आप पीछे मत रखिए तो इंजरी के चांसेस नी में बढ़ जाते हैं। पहले आप स्टैटिक प्रैक्टिस करिए फिर आप लंजेस पे आइए। स्टार्ट। वन टू परफेक्ट परफेक्ट। थ्री फोर आ जाइए वापस, थोड़ा क्लोज बेटर। एक और ओके। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन करने हैं, जैसे कि यहां पर जो है स्पेस कम है तो अगर आपके घर में स्पेस है तो आप वॉकिंग लंजेस जितना हो सके आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप जाके आ सकते हैं 20 rounds, 15 rounds, 30 rounds, जो आपकी कैपेसिटी, जो आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ जो है। अगली एक्सरसाइज जो आपको बताते हैं वो स्टेप अप्स, आइए करते हैं। ओके, जो स्टेप अप्स जो है, एक पैर आगे एक पैर नीचे, लिफ्ट करना है अप, लेफ्ट लेग वापस नीचे, राइट लेग ऊपर ही रहेगा जब तक आपके सेट कंप्लीट नहीं हो जाते 10 के 12 के 15 के। आप इसमें बेड या सोफा कुछ भी यूज कर सकते हैं करने के लिए। थ्री फोर थोड़ा पीछे से लेना है, फाइव। इसमें भी आपके जो वर्कआउट जो एक्टिवेट है वो क्वाड्स है, ग्लूट्स, क्वाड्स हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, सब मसल एक्टिवेट है। ओके, चेंज करेंगे दोनों साइड। फाइव ओके ओके रिलैक्स। सिक्स सिक्स की हो रहे, दैट्स इट दैट्स इट। आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना क्या बोलता है आपको, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कितना करना है। आप 10 करिए, 15 करिए, 20 करिए, वट एवर यू लाइक। ओके, जो नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो है डेडलिफ्ट। आपको बताएंगे कि डेडलिफ्ट कैसे करनी है। डेडलिफ्ट के दो से तीन प्रकार है, वो कैसे करने हैं वो आपको अगले वीडियो में पूरे तरीके से अलग अलग फॉर्म एंड टेक्निक का आपको करके बताएंगे। फिलहाल जो है आपको एक नॉर्मल डेडलिफ्ट बताएंगे जिसमें आपका लोअर बैक, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग कैसे वर्क होते हैं, आइए देखते हैं। तो ये है दो डंबल से डेडलिफ्ट। वांट टू स्टार्ट। वन एंड अप। इसमें आपको हिप को पीछे रख के आगे की तरफ झुकना है। जैसे आप झुकोगे तो आपका लंबार एरिया जो इरेक्टर स्पाइन जिसे कहते हैं वो आपका वर्क होता है, आपके ग्लूट्स वर्क होते हैं, मीडियल मैक्सिमस दोनों, आपके हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट होते हैं, इसमें भी मैक्सिमम मसल्स जो है वो वर्क होते हैं। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये वर्कआउट के लिए। फाइव सिक्स
7 8 back arch 8 रिलैक्स। डेडलिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेडलिफ्ट में भी मैक्सिमम मसल वर्क होते हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, आप आराम से सो सकते हैं, आपका मसल्स ग्रो होता है। जो नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो है काफ। आपके घर में स्टूल तो रहेगा या सीढ़ियाँ, आप वो यूज कर सकते हैं एक सपोर्ट लेके। तो जैसा मैं एक्सरसाइज करूँगा तो आपको आइडिया आ ही जाएगा कि आपको कैसे करना है। आइए देखते हैं। आप एक पैर पहला चूज करिए और एक हाथ में डंबल्स रखिए, उसे स्टेयर्स पे या स्टूल के ऊपर या किसी भी चीज का दूसरे हाथ से आप सपोर्ट लेके आप उसका प्रॉपर मूवमेंट, आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों इक्वली करना है। अप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसमें आपके जो काफ जो है उसका इनर पोर्शन जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोक्निमियस, वो आपका वर्क होता है स्टैंडिंग काफ में। ओके चेंज, अब दूसरा पैर लेंगे। अगर इसमें ये अगर आपको सिंगल लेग अगर आपको नहीं जम रहा है, अगर आपको करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप बिना डंबल के भी उसे यूज कर सकते हैं। किसी भी वॉल पे होल्ड करके आप प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, अप कॉन्ट्रैक्शन डाउन रिलैक्सेशन, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें लेकिन आपको प्रॉपर पंप के लिए, प्रॉपर फील के लिए आपको मैक्सिमम रेपिटेशन हिट करने पड़ेंगे, अबाउट 30, 40 या 50, तो आपको जरूर वो मसल पे 100% वो इफेक्ट जरूर आएगा। इसमें जो आपका जो मसल्स जो वर्क होगा वो है आपके पैरों का इनर काफ का इनर भाग जिसे हम गैस्ट्रोक्निमियस कहते हैं। अप एंड डाउन, रिलैक्स। तो जो हमारा जो लास्ट वर्कआउट जो है वो है सीटेड काफ। इसमें डिफरेंट मसल वर्क होता है, जैसे कि मैंने काफ में बताया था स्टैंडिंग में जो इनर काफ गैस्ट्रोक्निमियस, आउटर काफ जो है वो सोलियस, उसे कैसे वर्क करना है। एक स्टूल या ऐसे कुछ ऊपर की चीज, मतलब जो जिसमें हाइट है वो आप ले सकते हैं, मैंने ज़्यादा ले लिया लेकिन इसमें कुछ तकलीफ नहीं है। उसे आप रख दीजिए पैरों के सामने, आधा पैर उसके ऊपर जैसा मैंने काफ में रखा था हाफ पैर। वेट जो है आपके थाइस में आगे के साइड में रखिए, पीछे की साइड में मत रखिए क्योंकि वेट जो है यहीं पर आएगा आपके एक अलाइनमेंट में। तो लिफ्ट एंड डाउन, लिफ्ट ऊपर ऊपर। एक सेकंड का पॉज जरूर लीजिएगा, अगर आप बिना वेट के मार रहे हैं तो एक सेकंड का पॉज लीजिएगा पूरा। आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब रेंज ऑफ मोशन जो आप पूरा दीजिएगा आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। इसमें एक बर्निंग सेंसेशन, मैं जो कहता हूं बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगा जो एक्चुअल चाहिए। अप डाउन, इसके भी आपको मैक्सिमम रेपिटेशन आप ले सकते हैं 20, 25, 30, जैसा आपको करना चाहिए या जैसा आप कर सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक। किसी 15, किसी को 20 में वो जलन फील होती है, किसी को 30-40 तक नहीं जलन होती है, तो वो आपको करते जाना है। सो गाइस, आपने देखा कि दो डंबल्स के साथ हमने कैसा वर्कआउट किया, एक सोलो डंबल्स और बोथ डंबल्स, कि आपको लेग्स के लिए क्या वर्कआउट करने हैं। तो आगे भी आपको बताते रहेंगे कि डंबल से आपके आप क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं घर पे, चेस्ट का हो गया, बैक का हो गया, बाइसेप ट्राइसेप। जो ये वर्कआउट सिर्फ जेंट्स के लिए ही नहीं है, इसे लेडीज भी यूज कर सकते हैं करने के लिए जो है प्रॉपर वेट लॉस के लिए जो उनको एक्चुअल चाहिए। होप तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो तो बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और फ्रेंड जल्दी जल्दी से इस फिटनेस फाइटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना तो जरूर ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।